हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन का हिडन फीचर्स का बात करेंगे, यानी टिप्स एंड ट्रिक्स का बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस फोन में क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर्स है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ में जियो फोन नेक्स्ट, ये ब्लू कलर में मेरे पास अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं इस फोन में क्या क्या अच्छे फीचर्स है, आपको दिखाते हैं। तो इस फोन का पहला फीचर्स का बात करो तो पहले फीचर्स है वॉलपेपर। तो यहाँ पे स्क्रीन पर इस तरह टैप कीजिए तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे ऊपर है वॉलपेपर और होम सेटिंग। तो चलिए यहाँ पे वॉलपेपर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वॉलपेपर में आ गया हूँ। तो यहाँ पे आपको माई फोटो मिल जाएगा और यहाँ पे वॉलपेपर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो यहाँ पे बहुत सारे आपको वॉलपेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप जो भी चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट करके सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड यहाँ पे होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन में वॉलपेपर सेट हो चुका है। इस तरह से दोस्तों आप लॉक स्क्रीन में और होम स्क्रीन में वॉलपेपर सेट कर पाओगे। तो चलिए फिर से चलते हो वॉलपेपर पर। तो यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे माय फोटो में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अपना फोटो यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे अपना चॉइस का कोई भी फोटो यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे अपना फोटो लगा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। तो अब इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स का बात करता हूँ। नेक्स्ट फीचर से होम सेटिंग। तो यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे देखिए होम सेटिंग आ गया है, इसको भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे है अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन, तो चलिए इसको ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑन हो चुका है, एक इस तरह से काम करता है, आपको दिखाता हूँ। आप इस तरह से फ़ोन को घुमाइए तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हो जाएगा। आपको टैप की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ देखिए यहाँ पे टैप की तरह आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो रोटेशन को। तो यहाँ पे ये भी अच्छा फीचर्स है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। नेक्स्ट फीचर्स है ट्रांसलेट। एक फीचर्स आप किस तरह से इस्तेमाल कर को आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गूगल में आप कुछ लिख दीजिए तो मैं यहाँ पे न्यूज़ सर्च कर लेते। चलिए यहाँ पे न्यूज़ टाइप करता हूँ यानी यू। तो चलिए यहाँ पे न्यूज़ आ गया है। तो यहाँ पे देखिए न्यूज़ पेज आ चुका है। यहाँ पे देखिए आप इस तरह से स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे पूरी की पूरी आपको इंग्लिश में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। आप मान लीजिए आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे टैप कीजिए तो यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टैप कीजिए तो यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए तो यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुका है। इस तरह से आप ट्रांसलेट कर पाओगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छा फीचर्स है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा फीचर्स। आप सबको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों इस लैंग्वेज को आप चेंज भी करवाओगे तो यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक कीजिए तो यहाँ पे लिखिए चेंज ट्रांसलेट लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी चाहिए अब जो भी लैंग्वेज आपको आता है यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, वो लैंग्वेज यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ अब। तो चलिए अब इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स की तरफ बात करता हूँ। नेक्स्ट फीचर्स है लिस्टिंग। ये फीचर्स किस तरह से काम करता है आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कोई सा एक पेज खोल लीजिए तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूज़ पेज खुला है। तो इसको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे टैप कीजिए, यहाँ पे देखिए लिस्टिंग का ऑप्शन आ गया है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए, अपने आप रीड होगा यहाँ पे। इन www.indiatoday.in greater than news News, breaking news, latest news and top video news, India Today. यहाँ पे देखिए जितना सिलेक्ट होगा रहेगा उतना आपको पढ़ के यहाँ पे सुना देगा। और यहाँ पे इसका भी आप लैंग्वेज चेंज कर पाओगे, किस तरह से चेंज कर पाओगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए चेंज लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा आपको लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी लैंग्वेज में आपको सुनना है यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, वो लैंग्वेज में आपको पढ़ के सुना देगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। इस फोन का आप नेक्स्ट फीचर्स का तरफ। नेक्स्ट फीचर्स है स्क्रीनशॉट। इस फोन में बहुत ही आसानी से आप दो तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे यूट्यूब खोल लेता हूँ। तो आप मान लीजिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप टैप कीजिए तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ गया है। तो चलिए इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट हो चुका है। और यहाँ पे शेयर और एडिट भी कर पाओगे, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे शेयर और एडिट कर पाओगे। तो चलिए इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप शेयर और एडिट कर पाओगे बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे अपने हिसाब से क्रॉप एडिट यहाँ पे अपने हिसाब से कर पाओगे। तो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे चूज़ करके आप यहाँ पे कर पाओगे। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। यहाँ पे दूसरी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको दिखाता हूँ, वो सबको पता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम डाउन की और पावर की मदद से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए आपको करके यहाँ पे दिखा देते हैं एक बार। तो चलिए एक साथ दबाता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम डाउन की और पावर की। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट हो चुका और यहाँ पे शेयर और एडिट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। चलिए यहाँ से आगे बढ़ता है इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स का बात करता हूँ। नेक्स्ट फीचर्स है स्टेटस बार। यहाँ पे चलिए स्वाइप डाउन करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आपको शॉर्टकट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, शॉर्टकट फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो इस फीचर्स को। तो यहाँ पे पेंसिल में टैप करता हूँ तो नीचे देखिए नीचे डाउन करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फीचर्स और भी देखने को मिल जाएगा। जो भी चाहिए यहाँ पे डार्क थीम,
स्क्रीन रिकॉर्ड, यहाँ पे नाइट लाइट आपको मिल जाएगा। तो चलिए करके दिखाता हूँ किस तरह से करना है। तो यहाँ पे चलिए टैप करता हूँ, इस तरह से ऊपर ले आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हो गया है, इस तरह से आप ऊपर में ले आएगा तो हो जाएगा आपको। और यहाँ पे और इस तरह से टैप करके यहाँ पे छोड़ देगा तो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। इस तरह से आप इस टर्सर बार को इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी ज़्यादा आपको ज़रूरत है वहाँ पे ऐड कर लेना, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इनका नेक्स्ट फीचर्स की तरफ, नेक्स्ट फीचर्स है नोटिफिकेशन। यहाँ पे जाएंगे सेटिंग पे, तो चलिए सेटिंग में चलते हैं। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेटिंग में आ गया हूँ। अब चलते हैं ऐप एंड नोटिफिकेशन पर, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे नीचे क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन पर, यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन अनलॉक स्क्रीन। तो चलिए इसको क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे शो कॉन्वर्सेशनल, डिफॉल्ट एंड साइलेंट। ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे हाइड साइलेंट कॉन्वर्सेशनल एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पे ये ऑप्शन करोगे तो आपको लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन नहीं देखा, हाइड हो जाएगा। उसके बाद डोंट शो एनी नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स का तरफ। नेक्स्ट फीचर्स है बैटरी परसेंटेज। ये फीचर्स बहुत ही आसानी से आप इनेबल कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पे इनेबल करता हूँ इसको। तो यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए बैटरी, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए बैटरी परसेंटेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बैटरी परसेंटेज इनेबल हो चुका है, यहाँ पे 82% बैटरी यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे बैटरी रिलेटेड बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बैटरी मैनेजर, बैटरी सेवर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे फुल चार्ज कितना दिन में दिया हो वो आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी रिलेटेड पूरी यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। करते इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। नेक्स्ट फीचर्स है गेस्चर, यानी ऐसे तो जो टच की है यहाँ पे किस तरह से यहाँ चेंज कर पाओगे, यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड किस तरह से इस्तेमाल कर पाओगे वो दिखाता हूँ। तो सेटिंग में आ गए, यहाँ से जाएंगे सिस्टम पे। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे सिस्टम में क्लिक करता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए गेस्चर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे गेस्चर में आ गया हूँ, यहाँ पे आपको सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे थ्री बटन नेविगेशन और यहाँ पे गेस्चर नेविगेशन मिल जाएगा। गेस्चर में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए। नीचे यहाँ पे देखिए टच की यहाँ पे गायब हो चुका है, इस तरह से देखिए हमें गायब हो जाएगा यहाँ पे टच की। तो यहाँ पे इस तरह से करोगे तो बैक हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से करोगे तो बैक होगा, इस तरह से करोगे तो बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फुल स्क्रीन मोड ओपन हो चुका है। इस तरह से दोस्तों फुल स्क्रीन मोड आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरह से आप होल्ड करोगे तो मिनिमाइज ऐप में आ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए मिनिमाइज ऐप में आ गया हूँ, इस तरह से मिनिमाइज ऐप को इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। तो चलिए इसको ऑफ कर देता हूँ। तो फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ थ्री डी बटन में, तो यहाँ पे देखिए बटन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बटन आ गया है, इस तरह से दोस्तों नेविगेशन को इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स का तरफ। नेक्स्ट फीचर्स है डार्क थीम एनी नाइट मोड, एक किस तरह से इस्तेमाल कर पाओगे आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फिर से जाएंगे सेटिंग पे। तो चलिए यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करता हूँ, यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डार्क थीम, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा टर्न ऑन पर। तो यहाँ पे देखिए डार्क थीम ऑन हो चुका है, यानी नाइट मोड ऑन हो चुका है। तो चलिए इसको यहाँ पे ऑफ करता हूँ। तो यहाँ पे टर्न ऑफ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऑफ हो चुका है डार्क थीम। यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए कस्टम टाइम यहाँ पे दे सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम और इन टाइम देखने को मिल जाएगा। जो भी आप टाइम सेट करोगे उस टाइम में स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा उस टाइम पे। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सनसेट टू सनराइज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सनसेट टू सनराइज ऑप्शन क्लिक करोगे तो सुबह यहाँ पे ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और रात को ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा डार्क थीम। इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए ऐसे बैक करता हूँ। और आप डार्क थीम को यहाँ पे शॉर्टकट से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे डाउन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डार्क थीम, यहाँ पे यहाँ से ऑन अप कर सकते हो डार्क थीम को, यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। जियो फोन नेक्स्ट का कौन सा फीचर आपको ज़्यादा अच्छा लगा और नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना। और दोस्तों जियो फोन नेक्स्ट रिलेटेड को भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। तो बिल्कुल जय हिंद, वंदे मातरम।